देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे। 1831 में जन्मी सावित्री बाई फूले और उनके साथ काम किया फातिमा शेख ने, आज 2020 में हम याद कर रहे हैं उनको सड़कों पर। सावित्री बाई फूले का आज जन्मदिन है। सावित्री बाई फूले को साथ लेकर दिल्ली में तमाम महिला संगठनों ने, ट्रांसजेंडर्स ने, क्वेर ने आज CAA और NRC NPR के खिलाफ जंग बोली है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे वे लोग इकट्ठा हुए हैं और मोदी सरकार से उनकी मांग है कि उन्हें हर हाल में ये नागरिकता संशोधन कानून वापस लेना चाहिए। जब जुल्म सितम के कोहे गरा, जब जुल्म सितम के कोहे गरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे। देखिए, पूरा जो मुद्दा CAA NRC NPR का उठा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि जो अंत गरीब हाशिए पे रहने वाले लोग हैं इनके लिए सबसे ख़तरनाक है। देश में जो भेदभाव का माहौल, जो नफ़रत का माहौल इन सब एक्सरसाइजेस से उठता है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं हम सभी लोगों पर पड़ता है, पर सबसे ज़्यादा महिलाओं पर और हाशिए पे रहने वाले लोगों पर पड़ता है। साथ ही में जो NRC और NPR की जो बात चल रही है, असम में भी हमने देखा है, जब डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बारी आती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है जो हाशिए पर रहते हैं, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे महिलाएं हों जो कि गरीब तबके की हैं, चाहे वो ट्रांस कम्युनिटीज़ हों जिनको कि जो अपने परिवारों से अलग हैं आज, क्वेयर कम्युनिटीज़ हों, वो कहाँ से दस्तावेज़ लाएंगे ये प्रूव करने के लिए कि वो इस देश के ही नागरिक हैं और उनके माता पिता भी इस देश के नागरिक है। तो नागरिकता पे सवाल का मतलब है लोगों के मौलिक अधिकारों पर सवाल। नहीं, जाहिर सी बात है कि भाई खुद इस सरकार के अपने माने अमित शाह मोदी खुद ही उन्होंने कई बार NRC की बात की है, NRC को CAA से जोड़ करके बात की है और समझा दिया है कि क्रोनोलॉजी क्या है। अब NPR, NRC और CAA की क्रोनोलॉजी देश के सारे नागरिक समझ रहे हैं, अब वो किसको मूर्ख बना रहे हैं। हम लोग बहुत सरल बात कह रहे हैं कि देखिए, हम भारत के लोग, संविधान में है कि हम भारत के लोगों ने संविधान को चुना, हम खुद को संविधान देते हैं, हम भारत के लोग सरकार को चुनते हैं। सरकार को अधिकार नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम भारत के लोग कौन होंगे उनको चुनेंगे। क्वियर और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जब आप NRC की बात करते हो तो अक्सर क्या होता है कि LGBTQ लोगों की बायोलॉजिकल फैमिली के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती है, तो जब आप एक फैमिली लीगेसी पे इतना इम्पोर्टेंस देते हो और आप बोलते हो कि बाप परदादा का डॉक्यूमेंट्स लाना है, तो वो LGBTQ लोगों के लिए बहुत ही एक ख़तरनाक तरीके से काम करता है। देखिए, ख़ास तौर से आज के कॉन्टेक्स्ट में जो CAA और NRC की बात है, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हमें लगता है कि महिलाएँ, ट्रांस और क्वीर ग्रुप्स होंगे, क्योंकि ख़ास तौर से ट्रांस क्वीर ग्रुप्स में तो जो बचपन में ही बहुत लोगों को निकाल दिया जाता है, इतना समाज हमारा एक संकीर्ण सोच वाला है कि एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो उनके पास कहाँ से डॉक्यूमेंट्स हो। औरतें रूरल इंडिया में आप देखें, कोई प्रॉपर्टी नाम नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नाम बदल गया शादी के बाद, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि अलग से इन कम्युनिटीज़ की आवाज़ उठाई जाती, और इसीलिए आज दिल्ली में ही नहीं बल्कि 8-9 शहरों में ये 3 कम्युनिटीज़ की तरफ से हो रहा है प्रोग्राम। जो चीज़ असम में जो देखा है उधर भी यही बताया था, किसी को डरने, उधर सारे लोग जो एक पक्ष में था कि वो करने का, फिर भी इसके बावजूद भी 19 लाख लोग जो सरकार की लिस्ट से बाहर आ गया, तो इसमें से सबसे ज़्यादा हिंदू भी था। तो ये ऐसा कोई धर्म की एक बात नहीं है, कोई एक सेक्शन की बात नहीं, इस देश की आम जनता की बात है, और इस देश के खास कर जो 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 गरीब तबके का बात है, उनके पास कोई कागजात, जो जमीन नहीं होती है उनके पास कोई प्रूफ नहीं होती है प्रूव करने का। सरकार इसलिए नहीं सुन रही कि सरकार जो है उसके कान बहरे हो चुके हैं, अपने अहंकार में डूबी हुई है, और वो ये नहीं समझना चाह रही कि ज़मीन से क्या क्या आवाज़ें उठ रही हैं और औरतों की आवाज़ें आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएंगी।
हालात ऐसे हो जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिंदा रहूंगी ये दिन देखने के लिए, जबकि संविधान को टुकड़े टुकड़े धज्जियां उड़ा के और सरकार जो है वो उस पर कोई एक जैसे तांडव कर रही है, मैंने कभी नहीं सोचा। बीजेपी की चाल रही है कि ये हमेशा दो जुबान में बोलते हैं, कोई एक बात बोलता है तो कोई एकदम उसकी विपरीत बात बोलता है, ये गुजरात के समय से हम देखते आ रहे हैं, तो मुझे भरोसा नहीं है। और जैसे कि शाहीन बाग की भी जो दादियाँ हैं उन्होंने भी बोला है कि हमें इस सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हम यही कह रहे हैं चाहे देश के युवा हैं या देश की महिलाएं हैं, हम यही कह रहे हैं कि हमें इस जुबान इस सरकार की ज़ुबान पर भरोसा नहीं है। अगर ये वापस कह रहे हैं कि हमें कोई चिंता की बात नहीं है तो ये CAA को खारिज करें, NRC को खारिज करें, NPR के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो 10 सवाल एक्स्ट्रा डाले हैं वो सारे वापस लें। एक तरफ से एजुकेशन के जो बजट है 3000 करोड़ कम किया है इस बार, लेकिन यहाँ पे बजट डाल के जो SC ST हॉस्टल्स है जो SCP TSP फंड से बनाया गया है उस हॉस्टल्स को कैंप्स डिटेंशन कैंप्स में कन्वर्ट किया है। कहाँ पर? कर्नाटक में ऑलरेडी ये कन्वर्ट किया है। सो शायद ये बहुत दुखी की बात है क्योंकि काफ़ी लोग जो युवा लोग हैं शिक्षा या एजुकेशन या जो हॉस्टल्स इसके वजह हॉस्टल्स नहीं इसके वजह से जाते नहीं स्कूल या कॉलेज। अब एक तो आप देखिए एक ही जगह NRC इम्प्लीमेंट हुआ है असम में, वहाँ ही से ही 2000 जो है ट्रांस वेमेन ट्रांस पीपल का नाम नहीं आया, तो अब वो 2000 लोग डिटेंशन सेंटर जाएंगे। और हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ नाम आने ना आने की बात नहीं है, बहुत लोगों का नाम नहीं आने वाला है, लेकिन किस तरीके से एक स्पेसिफिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है जो कि सावरकर की पॉलिसी है कि और कितना एक ब्लर्ड पॉलिसी दिखाया जा रहा है हमें, क्योंकि ये जो मोदी बार बार बोल रहा है कि अभी तो कुछ आया भी नहीं है, अभी तो कुछ आया भी, लेकिन जितना आया है वो कितना खतरनाक है। मेरा नाम वरदा राजपूत है और मैं यहाँ NRC एंड CAA के रिजेक्ट करने के लिए आई हूँ कि यहाँ ये हमारे देश में लाई ना जाए, इसलिए आई हूँ। हमारे देश को कोई ज़रूरत नहीं है NRC और CAA। हम नाम है, आप कहाँ रहते हैं? हम जयपुर दिल्ली से आए हैं और हमारा नाम गुलशन है जी। आप लोग पढ़ते हैं? हाँ, हम जी 10th क्लास पढ़ रहे हैं। कौन सा किस में पढ़ रहे हैं? हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। 10th क्लास में पढ़ रहे हैं जी। क्या अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और हमसे प्रूफ मांगे जा रहे हैं? हमारे प्रूफ नहीं, हमारे पास तो हैं, औरों के पास कहाँ से लाएंगे? अमीर लोग हैं वो अपने प्रूफ बनवा लेंगे दोबारा, गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? ना जाने बाढ़ों में आ गए। और 70 साल 80 साल पहले कौन प्रूफ बनाता था? कोई नहीं बनाता था। सवाल बहुत सीधा सीधा सा है, अगर मोदी और अमित शाह सुन पाए कि क्या जो लोग सरकार चुनते हैं वैसे ही सरकार के अपने नागरिकों को चुनना चाहती है? यहाँ पर महिलाओं ने, ट्रांसजेंडर्स ने, क्वेर ने बहुत बड़ी संख्या में यह सवाल पूछा है कि उन्हें इस सरकार के इरादों पर भरोसा नहीं। आज दबाव में अमित शाह और मोदी चाहे जो कहें कि NPR और NRC को लेकर चिंता करने की बात नहीं, नागरिकता संशोधन कानून को चिंता करने की बात नहीं, लेकिन लोग चिंतित हैं सरकार के इरादों पर, देश को भरोसा नहीं, जनता को भरोसा नहीं। और इस समय बहुत ही क्रिटिकल समय है क्योंकि सावित्री बाई फूले हों, फातिमा शेख हों, अम्बेडकर हों, डिफरेंट ग्रुप्स हों, सारे लोग देश के संविधान को बचाने के लिए लामबंद हो रहे हैं। शाहीन बाग से लेकर तमाम जगहों पर जो आवाज़ें उठ रही हैं उन्हें सुनना ज़रूरी है। Thank you.